हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, कब कौन सा शो किस पर ट्रांसफ़र हो जाए या कब कौन से शो की क्या न्यूज़ निकल कर आ जाए, कुछ पता नहीं है। कहते हैं ना, किस्मत जैसे चमकती है वैसे ही भाई सीरियल वालों की कब कौन सी लाइन जो है टीआरपी की तरफ बढ़ जाए पता नहीं चलता। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। भाई, जो है सब टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो है, या कह सकते हैं सबसे लॉन्गेस्ट शो है, या फिर कह सकते हैं कि सबसे अच्छी टीआरपी देने वाला है। ऐसे में जो है इनके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं करने की। यहाँ तक कि उन्होंने बड़ा कर भी लिया है, बस लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे में जो है भाई, वो जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू ही हुआ था, तब जो है लोगों ने सोचा भी नहीं था ये इतना नाम कमाएगा, या लोगों के घरों में इतना इसे देखा जाएगा, या फैंस इसे इतना प्यार देंगे। आज की डेट में भी जेठालाल जो हैं बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे कि वो पहले 10-15 साल पहले लगते थे। ऐसे में जो है फैंस का कहना है कि सब पुराने किरदारों को वापस ले आओ। आप देख रहे हैं कि सारे किरदार लगभग चेंज हो गए हैं, लेकिन तब भी फैंस को ये शो काफ़ी पसंद आता है। लेकिन इसकी कुछ एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है आपका स्टार प्लस पर गया था जब इन्होंने शुरू किया था। तो स्टार प्लस ने इन्हें एक मजाक में एक वर्ड बोल दिया था कि हमारे यहाँ पे ऐसे कॉमेडी शो नहीं देते हैं, हम यहाँ पे सास बहु साजिश या सास बहु ड्रामा जैसे शो को लॉन्च करते हैं। ऐसे में फिर ये सब टीवी पर गया और इसने ना जाने कितने शो की जो है बैंड बजाई। ऐसे में आज की डेट में भी ये काफ़ी अच्छी टीआरपी दे रहा है अकॉर्डिंग टू अदर स्लॉट के। ऐसे में जो है इसकी चर्चाएं सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है? भाई, आज जो है आपके स्टार प्लस सोच रहे हैं, अगर मैं इसको ले लेता तो क्या वाकई ही मेरा ये शो कितना हिट होता। ऐसे में कहते हैं ना कि गई बात को बाद में याद करना तो बेकार है। अब भाई, जब ये न्यूज़ वायरल हो रही है तो उसी के बीच में न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो है असित मोदी जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा को जो है बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी चल रही है, यानी कि इसकी मूवी बनाने की तैयारी चल रही है। तो हो सकता है वो डिज्नी हॉट स्टार पर से लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो है सब टीवी का है। लेकिन बातें अभी चल ही रही है, क्योंकि भाई स्टार प्लस मना नहीं करेगा। डिज्नी हॉट स्टार पर आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे कॉमेडी हो, क्राइम हो, या जासूसी हो, स्पाई हो, कुछ भी हो वो दे देते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, अगर ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा स्टार प्लस पर होता तो क्या होता? क्योंकि आजकल स्टार प्लस पे टीआरपी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। भाई, निकाल रहा है, अच्छे सारे शो स्लॉट किंग है मोस्टली, लेकिन बात आती है कि वो दम नहीं रहा जो पहले था। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब दम नहीं रहता तो याद आता है, यार हम जब जवान थे तो हम ये कर सकते थे। तो ऐसे ही शायद स्टार प्लस सोच रहा है और ये न्यूज़ इसीलिए वायरल हो रही है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।